43,500 एंड 43,000 है ना, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो उम्मीद मार्केट में क्या है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, सपोर्ट से ऊपर रेसिस्टेंस से नीचे, यही होने वाला है कल सारा दिन। तो 43,500 सीई और 43,000 पीई दोनों का ओपन इंटरेस्ट हम लोग चेक करेंगे, हाईएस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, बैंक निफ्टी 43,000 पीई। ठीक है, इसी का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। PE ओपन इंटरेस्ट कितना, 45.4 लैक्स हाईएस्ट है। अब 43,500 CE कॉल 55.8 लैक्स, देखिए ओपन इंटरेस्ट भी चेंज होता है, कल 64 था है ना, तो यहाँ पे 43.5 मतलब 43,500 का ओपन इंटरेस्ट 55.8 लैक्स, ये भी हाईएस्ट है। तो समझ में आ रहा है ऑप्शन सेलर्स कहाँ पे हैं, 43,500 पे हैं और 43,000 पे। अब इनके पास इतना फंड है, सोचिए इतना फंड है, मतलब लैक्स में ऑर्डर है ये सब है ना, 45 लैक्स इन लोगों के पास इतना फंड है कि अगर मार्केट गिरता है इसके नीचे भी आने का कोशिश करे। देखिए यहाँ पे आया ना नीचे आने का कोशिश, लेकिन फंड इतना है कि लोग मार्केट को घुमा देते हैं। देखिए ये पैनिक मोमेंट था मॉर्निंग में, 9:15 का टाइमिंग तो बहुत खतरनाक होता है ना, मॉर्निंग का टाइम बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। मार्केट गिरा, ठीक मार्केट पोजीशंस में आ गया, फिर गिरा, देखिए 43,000 सपोर्ट का काम किया है ना, 43,000 सपोर्ट का काम करके वापस रिवर्स हो गया। इवन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये इसका रेसिस्टेंस है, तो 43,500 ये इसका रेसिस्टेंस, अगर मार्केट इसके ऊपर भी गया तो यहाँ जाके क्या होगा, गिर जाएगा। तो डायरेक्शन समझ में आ रहा है, 12:01-2 बजे जब ऑप्शन का प्रीमियम ये स्ट्राइक पर 2 रुपया 1 रुपया अगर ये सब हो जाए, कुछ समझ जाइएगा कि अब ये सब काम करिएगा, पोजिशन लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, नया ट्रेंड क्या होगा चालू होगा। क्लियर है, क्योंकि हम लोग यहीं पर डिस्कस कर चुके थे फ्राइडे वाले दिन है ना, कि पूरा वीक मार्केट साइडवेज रहने वाला है और रह चुका, ऑप्शन पैसा बना लिए बना है ना। और हम लोग जैसे लोग ये सब जगह पे क्या करते हैं, भाग जाते हैं, वो नहीं भागते।